एक्सरसाइज सेवन बी के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक कंप्लीट हो चुके हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है फाइव ईयर्स एगो अ मैन वाज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन फाइव ईयर्स हेंस द फादर विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन फाइंड दियर प्रजेंटेज यहाँ दो कंडीशंस दी हुई हैं पहला है फाइव ईयर्स एगो माने फाइव ईयर्स पहले फाइव ईयर्स पहले ए मैन वाज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज आइज सन माने आज से जो प्रेजेंट टाइम में जो एज है उससे फाइव ईयर्स पहले फाइव ईयर्स एगो जो दोनों की एज है उसके मैन की एज है वो सन की एज से सेवन टाइम है सन की एज का सेवन टाइम है फाइव ईयर्स हैंस माने अब से जो प्रेजेंट एज है उससे फाइव इयर्स बाद फाइव इयर्स हेंस द फादर विल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन कि जो फादर की एज है वो सन की एज की थ्री टाइम्स हो जाएगी फाइंड दियर एजेस तो उनकी एजेस फाइंड करना है तो यहां पर फाइव इयर्स एगो चूंकि रिलेशन जो दिया है पहले जो रिलेशन दिया है वो फाइव इयर्स एगो का रिलेशन दिया हुआ है तो फाइव इयर्स एगो हम फादर की एज मान ले और सन की एज दोनों लेट कर लेते हैं तो लेट सॉल्यूशन में लेट करेंगे तो चूंकि फादर की एज सन की एज पर डिपेंड है इसलिए सन की एज को लेट करेंगे तो लेट फाइव इयर्स एगो फाइव ईयर्स एगो द एज ऑफ सन या सन्स एज सन्स एज सन की एज कितनी है एज बी एक्स ईयर्स ये क्या लेट कर लिया लेट फाइव ईयर्स एगो मान इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है उससे फाइव ईयर्स एगो सनस की एज लेट कर ली गई एक्स ईयर्स देन फाइव इयर्स एगो माने फाइव ईयर्स एगो फादर्स एज फादर्स एज इक्वल फादर की एज कितनी हो जाएगी तो जो सन की एज है उसका फाइव टाइम्स कितना सेवन टाइम्स यहां पर फाइव ईयर्स एगो की बात हो रही है ना तो सेवन टाइम्स यहां जो दिया है सेवन टाइम्स तो सेवन टाइम्स है तो सेवन एक्स ईयर्स हो जाएगी अब जो अगली कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग लेट कर लिया गया फाइव इन एगो सन लेट कर लिया गया एक्स इन तो देन एगो, एज विल बी ए, सेवन इतनी थी अब कहा गया जो सेकंड कंडीशन दिया फाइव सेंस माने अब से जो प्रेजेंट एज होगी उससे फाइव ईयर्स बाद का रिलेशन दिया है, फादर और सन की तो फाइव ईयर्स बाद हमें एज निकालनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले प्रेजेंट निकाल निकालने दोनों की प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ सन सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी कि ये जो फाइव इयर्स एगो मानी गई है तो इस समय कितनी हो जाएगी एक्स प्लस फाइव माने फाइव इयर्स बाद की जो एज होगी फाइव इयर्स पहले वाली एज में फाइव प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रेजेंट एज और प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर फादर की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी हो जाएगी सेवन एक्स फाइव ईयर्स बिफोर है तो इस समय जो एज हो जाएगी फाइव सेवन एक्स प्लस फाइव ईयर्स हो जाएगी तो ये फाइव ईयर्स ये प्रेजेंट एज हो गई अब फाइव ईयर्स आफ्टर हेंस माने क्या है फाइव ईयर्स हेंस फाइव ईयर्स हेंस या आफ्टर फाइव ईयर्स दोनों राइट कर सकते हैं फाइव ईयर्स हेंस सन्स एज सन की एज देखिए क्या होगी कि जो प्रेजेंट एज है उसमें फाइव और प्लस कर दे मींस एक्स प्लस फाइव तो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट एज उसमें फाइव और प्लस कर दिया तो कितनी निकाल आई एक्स प्लस टेन निकाल आई और फाइव ईयर्स हेंस फाइव इयर्स हैंस फादर्स एज जो फादर की एज होगी फादर की एज कितनी है प्रेजेंट एज सेवन एक्स प्लस फाइव है और आफ्टर फाइव ईयर्स एज क्या हो जाएगी फाइव और है इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा सेवन एक्स प्लस टेन इतने ईयर्स हो गए अब जो दोनों का रिलेशन दिया है कि जो फाइव ईयर्स हैंस फादर्स एज है वो फाइव ईयरस एंड सन्स की एज का कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स होगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो रिलेशन है नेक्स्ट रिलेशन है क्या है सेवन एक्स प्लस टेन जो फादर की एज है फाइव ईयर्स आफ्टर इक्वल थ्री टाइम्स ऑफ सन्स एज एक्स प्लस टेन और इसको सॉल्व कर लें तो सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री एक्स प्लस थ्री टेन या थर्टी थ्री एक्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो सेवन एक्स और ये माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा इक्वल थर्टी राइट साइड में एस टेन को प्लस टेन को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का टेन हो गया सेवन एक्स में थ्री एक्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर एक्स इक्वल टू थर्टी में टेन माइनस किया ट्वेंटी आ गया तो एक्स इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन एक्स के साथ फोर डिवाइड इंटू में है तो डिवाइड में चला जा जाएगा तो फोर अपॉन फोर हो जाएगा फोर वन जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी तो जो एक्स की वैल्यू है आपकी किसके एक्स की वैल्यू तो जो एक्स की वैल्यू है कितनी आ गई एक्स इक्वल फाइव ये निकल आया एक्स की वैल्यू इससे हमको फाइंड क्या करना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड दियर प्रेजेंटेज एजज तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो निकाल लें तो प्रेजेंट एज ऑफ सन सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ सन निकाल लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन कितने निकाली थी एक्स प्लस फाइव तो एक्स प्लस फाइव है तो इसमें वैल्यू रख दें एक्स के प्लेस पर फाइव रख देंगे तो फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन ईयर्स एक आंसर सन की एज ही हो गई अब फादर की एज तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्रेजेंट इज आ फादर इक्वल टू है सेवन एक्स प्लस फाइव है तो सेवन एक्स प्लस फाइव राइट किया है इसमें फाइव रख देंगे तो सेवन इन टू फाइव प्लस फाइव तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव प्लस फाइव इक्वल टू फोर्टी ईयर्स ये दोनों आंसर हो गए अब इसमें अगर हम देखें कि चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है तो एक बहुत ओवरऑल हम चेकिंग कर लें कि जो प्रेजेंट एज ऑफ सन है तो अगर इनकी हम फाइव ईयर्स पहले एज देखें तो फाइव ईयर्स पहले देखें तो अगर मान लो इसमें प्रेजेंट एज टेन है तो फाइव ईयर्स कितनी हो गए टेन में से फाइव माइनस हो गया फाइव ईयर्स हो गई ये सन की हो गई और जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी फोर्टी ईयर्स अगर फाइव ईयर्स पहले हम देखें इनकी एज तो ये हो जाएगी थर्टी फाइव कितनी हो जाएगी थर्टी फाइव अब दोनों में रिलेशन देखें कि जो थर्टी फाइव है ये फाइव का सेवन टाइम्स है देखिए क्या है जो सन की एज है फाइव इयर्स बिफोर उसका सेवन टाइम्स कर दें तो ये फादर की एज हो जाएगी इसका मतलब करेक्ट वैल्यू दूसरा रिलेशन देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज है उसके फाइव इयर्स आफ्टर तो फाइव इयर्स आफ्टर इसकी कितनी हो जाएगी फिफ्टीन हो जाएगी टेन में फाइव प्लस करेंगे फिफ्टीन हो गए और ये कितनी हो जाएगी फोर्टी में फाइव प्लस करेंगे तो फोर्टी फाइव हो जाएगी तो फिफ्टीन का अगर थ्री टाइम्स कर दें तो ये इसके फोर्टी फाइव के

और आफ्टर फोर ईयर्स फोर इयर्स एगो माने फोर इयर्स एगो उसकी एज कितनी होगी उनका जो रिलेशन है कि आफ्टर ट्वेल्व इयर्स जो मनोज की एज होगी वो थ्री टाइम्स होगी जो मनोज की फोर इयर्स बिफोर एज होगी उसका थ्री टाइम्स होगी तो सोल्यूशन में लेट कर लेंगे सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज बी एक्स ईयर्स ये लेट कर लिया अब आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स एज निकाल लें जो प्रेजेंट एज है उससे आफ्टर ट्वेल्व ट्वेल्व ईयर्स बाद में एज क्या होगी तो ट्वेल्व में प्लस हो जाएगा तो आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स मनोज मनोज एज कितनी हो जाएगी एक्स इयर्स प्रेजेंट एज है इसमें ट्वेल्व प्लस कर दिया तो एक्स प्लस ट्वेल्व ईयर्स हो गए और जो बिफोर एगो एज दिया है फोर ईयर्स एगो फोर ईयर्स फोर ईयर्स एगो मनोज की एज कितनी हो जाएगी मारे फोर ईयर पहले मनोज की एज कितनी होगी तो पहले जो मनोज की एज होगी तो उसमें माइनस हो जाएगा जो प्रेजेंट एज है तो एक्स में से फोर माइनस कर दें इतने ईयर्स हो गया अब इन दोनों का रिलेशन दिया है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो ट्वेल्व ईयर्स मनोज की एज है तो ट्वेल्व ईयर्स कितनी है आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स एज एक्स प्लस ट्वेल्व है इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ जो फोर ईयर्स एगो एज है तो फोर ईयर्स एगो कितनी एज है एक्स माइनस फोर है अब इसको सॉल्व कर ले तो एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल थ्री सिक्स में ब्रेकेट को ओपन करेंगे थ्री मल्टीप्लाई में तो थ्री का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे थी थी का फोर में तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस फोर थ्री जै ट्वेल्व थ्री एक्स को इधर ट्रांसपोज कर ले तो एक्स इधर ऑलरेडी है थ्री एक्स को इधर ले आएंगे तो उधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया थ्री एक्स साइन चेंज हो गया माइनस ट्वेल्व उधर है और प्लस ट्वेल्व को उधर अगर हम ले जाएंगे लेफ्ट से राइट साइड में तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा साइन चेंज हो गया एक्स माइनस टू एक्स दोनों अपोजिट साइन में होगा तो थ्री में वन माइनस करेंगे तो टू एक्स माइनस सेम साइन में है तो ऐड ट्वेंटी फोर तो एक्स इक्वल माइनस टू उधर हो जाएगा तो तो एक्स के साथ इंटू में तो उधर डिवाइड भी चला जाएगा तो माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन माइनस टू तो देखिए माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है प्लस होता है प्लस हो गया टू से कैंसिल हो जाएगा टू वन जा टू टू ट्वेल्व जा ट्वेंटी फोर तो एक्स इक्वल टू आ गया ट्वेल्व एक्स इक्वल टू ट्वेल्व आ गया एक्स हमने क्या लेट किया था मनोज की प्रेजेंट एज तो द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज इक्वल ट्वेल्व इस इट इज द आंसर एक्सरसाइज सेवन बी के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तक कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से स्टार्ट करेंगे